नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा विधायक कैसा हो। ये सवाल हमारा विधायक कैसा हो इन दिनों मध्य प्रदेश में खास सवाल बन गया है, क्योंकि 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है और एक विधायक ही सरकार बनाता है। यदि विधायक सक्रिय होता है, सकारात्मक होता है, तो क्षेत्र का विकास होता है, क्षेत्र का विकास होता है तो शहर का विकास होता है, और शहर का होता है तो प्रदेश का होता है। इसलिए एक विधायक जो है वो लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण धुरी होता है, स्तंभ होता है। इस वक्त सीहोर के विधायक सुदेश राय हमारे साथ मौजूद हैं, जो भाजपा से विधायक हैं और आम जनता के बीच में लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की तो कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ असंतुष्ट हैं। बहरहाल ऐसा होता है कि लोकतंत्र में कुछ संतुष्ट होते हैं, कुछ असंतुष्ट होते हैं। लेकिन सुदेश जी से पूछते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। सुदेश जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका, और आपके बारे में जो है आपकी जनता काफ़ी प्रशंसा करती है, लेकिन कहीं असंतोष के स्वर भी उभरते हैं। आपको लगता है कि एक विधायक काम करते हुए कई बार असफल भी हो जाता है, पीछे भी रह जाता है? सर्वप्रथम मेरा साधना न्यूज के सारे दर्शकों को प्रणाम। जैसा आपका सवाल है, 100% परफेक्शन किसी भी इंसान में नहीं होता, पर मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आदेश अनुसार, मेरे निवेदन के अनुसार, सीहोर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों नहीं अरबों के काम हुए हैं। और काम जो मेरे कार्यकाल में हुए हैं वो धरातल पर आपने खुद देखे होंगे, सीहोर की जनता जानती है। और वो जो जैसे आप या जनता जब बात करती है कि आपने क्या काम कर दिया, तो मैं आज इस पोजीशन पर हूं कि जो उन्हें चाहा था उससे ज्यादा मुझे मेरी पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मेरे क्षेत्र में दिया। किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे वो रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, जन मूलभूत सुविधाओं की बात हो, तो मैं अपने आप में कह सकता हूं कि सीहोर की जनता आज ऐसे मुकाम पे खड़ी है जहां सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध हो रही हैं। आपके बयान हमने पहले भी सुने, अभी भी आपने कहा है कि आप अरबों रुपए के काम आपके हुए, ऐसे कौन से 3 प्रमुख काम हैं जो आपको लगता है कि ये बड़े काम हैं और आपको सेटिस्फेक्शन लगता है कि ये काम करके सीहोर की जनता के लिए आपने एक बड़ा काम किया? सीहोर 2 भाग में है, एक शहरी क्षेत्र है और एक ग्रामीण क्षेत्र है। पहले बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे रोडें हैं, आज मेरे शहर में, हमारे शहर में चारों तरफ से 4 लेन का प्रवास अंदर तक हो चुका है, अंदर की रोडें भी विकसित हो गई हैं। सीहोर शहर में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि स्विमिंग पूल होगा, हेल्थ क्लब होगा, क्रिकेट स्टेडियम होगा, पार्क होंगे और अनगिनत चीज़ें हैं, ऑडिटोरियम 500 सीटर सेंट्रली एसी ऑडिटोरियम, ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जो सीहोर नगर पालिका में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई। ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो आज चारों तरफ जितनी भी रोड हैं, सीहोर से लेके किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के अंत तक कोई भी रोड, कोई भी गांव किसी रोड से वंचित नहीं। एक और बहुत बड़ी ज़रूरी जो आज के टाइम में रोजगार को लेकर होती है, तो सीहोर इंडस्ट्रियल एरिया 350 एकड़ पे ऑलरेडी विकसित हो गया और 350 एकड़ अभी हमने और निकाला है जिसपे अनगिनत फैक्ट्रियां आने वाली हैं। एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि वो भी हमारे सीहोर के लिए है। एक गांव का एक आदर्श होता है, आपके मन में भी एक आदर्श गांव की परिकल्पना होगी, क्या आपको लगता है कि सीहोर एक आदर्श गांव की जो परिकल्पना है उसको पूरी कर चुका है या कुछ और भी चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें हैं तो वो क्या हैं जिसको जो आप देने वाले? मैं फिर से बताना चाहूँगा कि सीहोर 2 भाग में बटा हुआ है, एक है शहर और एक है गांव। काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, ना होना चाहिए। जो जो मेरी जनता मुझसे डिमांड करती है, धीरे धीरे मैं सब करने में उनके बीच में रहकर और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये आपके बीच, आपके सामने ये दिख रहा होगा। एक विधायक के प्रमुख गुण क्या हो सकते हैं, क्योंकि आपसे बातचीत करते हुए लग रहा है कि आप बहुत मजबूती के साथ में लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, समन्वय भी आपका बहुत अच्छा है। मैं प्रदेश के जितने विधायक हैं, वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों या किसी और पार्टी के हों, क्या मुख्य गुण होना चाहिए एक विधायक के अंदर? गुण से मैं अपने आप को नहीं तोलूंगा, क्योंकि आज जो भी हो सीहोर की जनता के आशीर्वाद से हूँ, फिर उनके आशीर्वाद के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मुझे और सीहोर की जनता पर है। तो गुण की बात छोड़ के अपन बात करें कि काम कैसा होना चाहिए। आप अपनी उपलब्धता जनता के बीच में रखेंगे तो जनता हमेशा आशीर्वाद देती है, और जनता को गए जमाने वो कि पहले कैसे
बन के आते थे, पर आज के टाइम पे जनता जागरूक है। अगर आप उनके बीच रहोगे, उनके सुख दुख में साथ रहोगे, तो जनता आपको कभी नहीं छोड़ेगी। ये दोनों के बीच के तालमेल की बात है। वर्तमान परिदृश्य की हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि कर्नाटक की जीत के बाद में कांग्रेसियों में उत्साह है, और हर जो कार्यकर्ता है या कर्मचारी है या जो पदाधिकारी है उसके चेहरे पर उत्साह है, उसे लग रहा है कि वो जीत जाएगा। और जिस तरह से माहौल बन रहा है, आपको लग रहा है जो घटनाक्रम आदिवासी सीधी में हुआ, उसके बाद में इंदौर में कल एक घटनाक्रम हुआ, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं भाजपा के और आप सबके विपक्ष में जाती हैं? इस देश की बागडोर जो संभाल रहे हैं वो जग जाहिर है, उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। उनके मार्गदर्शन में पूरा देश चल रहा है। उसी बात को लेकर हम मध्य प्रदेश आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। अब कुछ हादसे होते हैं, जैसे ये दोनों हादसों के बारे में बोला, ये कोई पार्टी से संचालित नहीं होते, ये एक दुखदायी कहानी है, और जो ऐसा करता है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत सजा देते हैं। मैं भी इसकी घोर निंदा करता हूँ, पर इसका पार्टी से कोई टच या अटैचमेंट नहीं रहता, ये एक दंडनीय अपराध जिनने करा है उनको सजा मिल रही है। लेकिन वो तब जब एक पार्टी कार्यकर्ता ही ये हरकत करता है, वो भाजपा का ही एक विधायक के जो है प्रवक्ता रहे, तो आपको लगता है कि कहीं पार्टी की जिम्मेदारी होती है और उंगली उठना स्वाभाविक है? देखिए, ऐसे इंसान में कोई स्क्रीनिंग का एक फैक्टर तो होता नहीं है कि वो अच्छा है कि बुरा है। उसकी बुराइयां अगर सामने आती हैं तो दोष पार्टी भी देती है, और सामने दिखता है तो किसी को छोड़ा नहीं जाता। कांग्रेस के बारे में क्या कहते हैं आप, क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस जीत गई थी, उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है, लेकिन आपको लगता है कि इस बार मतलब आपकी ताकत क्या है, इस बार आपने ऐसा क्या कर दिया है कि पिछली बार जैसा इतिहास जो है दोहराया नहीं जाएगा? आने वाले समय में नवंबर के चुनाव में आपको जग जाहिर हो जाएगा, दिख जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करें, काम जो करेगा जनता उसको आशीर्वाद देगी। कर्नाटक में क्या हुआ उसके बारे में मैं नहीं जानता, पर मैं आपको बता सकता हूं कि सीहोर में मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस से प्रदेश की जनता को आशीर्वाद देगी। चूंकि आप एक बहुत ही कद्दावर विधायक के तौर पर जाने जाते हैं, इसलिए प्रश्न कर रहा हूं मैं। ये वादा तो पिछली बार भी सरकार ने किया था, ये दावा भी किया था कि जीत जाएंगे, पिछली बार भी काम हुए थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस बार ऐसा क्या खास हुआ है कि पिछली बार जैसा नहीं होगा इस बार? अब पिछली बार भी आप देखें तो बहुत कम अंतर था, अब वो कम अंतर क्यों था? अब वोट परसेंटेज तो हमारी पार्टी को ज्यादा था, पर थोड़ी सी सीटों की वजह से हलचल हो गई। पर उन 15 महीने की सरकार में मध्य प्रदेश की जनता ने ये देख लिया कि 15 महीने की सरकार क्या करी है और शिवराज सिंह जी की सरकार ने क्या करा। आज वही जो सीटें फिर से उपचुनाव में आए तो अनगिनत वोटों से, जो हजारों में जीतते थे जो 20,000, तो वो 50,000 से जीते। तो इसका मतलब ये है कि जनता का पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। लाडली बहना योजना भी लागू हुई है और लोगों को, महिलाओं को खैर लाभ मिल रहा है, इसमें बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को लाभ सीधे मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस का ये भी कहना है कि कई महिलाओं के पैसा नहीं पहुंचा फॉर्म भरने के बाद में भी, कांग्रेस भी उनसे फॉर्म भरवा रही है। शिवराज सरकार ने जो है 1,000 की बात कही है, वो 1,500 की बात कर रहे हैं। वो बात ये भी कर रहे हैं कि जो गैस की टंकी है वो 500 रुपये की कर देंगे, वो पुरानी पेंशन योजना लागू कर देंगे, वो किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। तो बहुत सारी ऐसे वादे हैं जो जनता को लगता है कि ये जनता इस पर मनन चिंतन कर सकती है। आप खुद जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो बोलते हैं वो धरातल पर करके दिखाते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हम 1500 कर देंगे, कब कर देंगे? जब आपकी सरकार आएगी तभी कर पाएंगे आप। अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। धरातल पर देखें, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो किसी भी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित रह रहा हो। अभी जैसे सीहोर की बात करें तो कुछ लाडली बहना वंचित रही हैं, तो वो किसकी गलती रही है? कागजी कार्रवाइयों में कहीं ना कहीं कमी हमारी उस बहन की रही है, पर रेक्टिफाई करके जहां जहां हुआ है उनकी मदद कर रहे हैं। और ऐसी अनगिनत योजनाएं, सिर्फ एक नहीं है, अनगिनत योजनाएं, चाहे सरकारी कर्मचारी ले लो, रोजगार सहायक ले लो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ले लो, हर वर्ग के हित में अगर कोई बात कर रहा है तो वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। आप एक विधायक के तौर पर जब कोई फाइल ले जाते हैं सरकार के पास में, शिवराज सरकार के पास में, आपकी सरकार के पास में, तो क्या कोई तकलीफ आती है काम होने में, काम रुकते हैं, डिले होते हैं? अगर मेरे काम रुकते होते
तो सीहोर में इतने काम आपको दिखते नहीं। मैंने जो जो निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से करा उससे ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीहोर विधानसभा के लिए करा है। ये सकारात्मक जवाब आप दे रहे हैं, जब हम किसी कांग्रेस विधायक से बात करते हैं तो उसका हमेशा ये कहना होता है कि हमारे काम जो है सरकार के द्वारा रोक दिए जाते हैं, बाधाएं बंदी जाती हैं और ऐसा मैसेज दिया जाता है कि आम जनता को ये लगे कि ये कांग्रेस का विधायक है तो यहाँ पर काम नहीं होंगे, अब तो भाजपा वाले को लाना पड़ेगा। अगर विधायक में एफिशिएंसी है तो सरकार कोई भी हो काम किसी के नहीं रुकते। आप अगर एफिशिएंट हैं, मुख्यमंत्री कोई भी हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे कई विधायक मैं देखता हूं मुख्यमंत्री निवास में या मुख्यमंत्री कार्यालय में कांग्रेस के विधायक भी आते हैं तो काम तो होते होंगे, जब भी तो आस लगा के आते हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये पारदर्शिता, ये भेदभाव नहीं करते कि कांग्रेस का विधायक है तो काम नहीं करना। उनने भी, मैं अनगिनत उदाहरण दे सकता हूं कि कांग्रेस विधायक के भी काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत करते हैं। कमलनाथ जी का तो सीधा सीधा आरोप है कि मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हैं, जो अभी सोनिया गांधी भी आई थी और राहुल गांधी भी आए थे, उन सब लगातार वो कहते हैं कि जितने भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हुए हैं उतने कहीं और नहीं हुए हैं, तो ये कहाँ से ले आते हैं फहरिस्त आखिर? और क्या आपको लगता है कि वाकई आम जनता पर इसका असर होता है कि बार बार जब कोई चीज़ बोली जाएगी तो वो समझेगी, वो सुनेगी, उसे मंथन करेगी? देखिए, ऑपोजिशन का काम क्या है, उन्हें तो एलिगेशन लगाना है। पर मैं भी अगर यहाँ का नागरिक हूँ, प्रदेश का नागरिक हूँ, आप भी एक जागरूक पत्रकार हैं, क्या आपके सामने नहीं दिख रहा? ये तो ऑपोजिशन का मानना है, जो ऑपोजिशन में रहेगा वो विरोध करेगा, उनके विरोध से कुछ नहीं होता। सरकार अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करके दिखा रही है। आप पिछली बार 20,000 वोटों से ज़्यादा से जीते थे, मुझे हमको पता है। आम जनता आपसे खुश है और आपके यहाँ पर लोग लगातार भीड़ रहती है, आप उनकी समस्याओं को हल करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि आप उस उत्साह में जो है वो अपने प्रतिद्वंद्वी को पाकिस्तानी तक कह देते हैं। पिछले चुनाव पंचायत में आपने एक बयान दिया था जो काफ़ी वायरल हुआ था, चूँकि इस वक्त प्रासंगिकता इसलिए कि हमारे ही देश का व्यक्ति पाकिस्तानी कैसे हो सकता है, क्या वो अति उत्साह था या जबान फिसली थी या वाकई सोच समझ के कहा था? बिल्कुल नहीं, मेरा उद्देश्य पाकिस्तानी कहने से नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था कि आपके बीच के रहने वाला, अगर कोई आप उसको प्रतिनिधि बनाते हो तो वो आपके हमेशा उपलब्ध रहेगा। मेरा आश्रय ये था भारी प्रत्याशी और नज़दीकी प्रत्याशी का, तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं था किसी को पाकिस्तानी कहने का। प्रदेश अध्यक्ष की हवा है ये है कि बदलने वाले हैं, तो वो अगर बदल रहे हैं तो क्या वो रूटीन प्रोसेस होगा या कोई बेहतर होने के लिए काम हो रहा? अब इस बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं क्योंकि ये मेरे कार्य क्षेत्र का मामला नहीं है, पर प्रदेश सरकार माननीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है और आशा करता हूँ जो भी डिसीजन, ये सब ऊपर का रहता है, जो हाईकमान का डिसीजन रहता है वो हम सब लोगों को पालन करने का फर्ज बनता है। अंतिम सवाल ये है कि आप इस बार प्रत्याशी के रूप में यदि अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, टिकट मिलता है और आप आगे आते हैं, तो क्या ब्लूप्रिंट है सीहोर की जनता को, आप क्या देना चाहेंगे? क्योंकि आप कहते हैं कि आप कह चुके हैं कि काफ़ी कुछ दे चुके हैं, लेकिन अभी कोई भविष्य में ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि देना चाहिए? हमारा ब्लूप्रिंट, मेरा रादर ब्लूप्रिंट मैं तैयार नहीं करता, मेरी जनता मेरा ब्लूप्रिंट तैयार करती है और मेरा ब्लूप्रिंट रोज चेंज हो सकता है क्योंकि जनता की डिमांड जिस दिन जो होती है उस दिन नया ब्लूप्रिंट बन जाता है। बेसिक समस्याएं आपको लगता है सब खत्म, सब हो गई हैं? बिल्कुल, मेरे मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि सीहोर विधानसभा क्षेत्र में आप घूमें और पता करें कि मेरे कार्यकाल में अनगिनत काम आपके सामने धरातल पर कंप्लीट होते हुए या प्रोसेस में दिख जाएंगे। सुदेश जी, आपने हमसे बातचीत की और लोगों से के बारे में बातचीत की, अपने कार्यों के बारे में बातचीत की, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम भविष्य में आपसे करना चाहेंगे, समय की कमी के कारण जो है अभी हम इससे बात नहीं कर पा रहे हैं। सुदेश जी से हमारी बातचीत हुई और चूंकि आपसे बातचीत करते हुए लगा कि एक लंबा इंटरव्यू होना चाहिए था, लेकिन समय की अपनी एक सीमितता होती है, हम एक बार फिर से आपको बातचीत दिखाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि सीहोर की आम जनता को काफ़ी कुछ मिल गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई चीज़ आदर्श होती नहीं है। हर गाँव को, हर क्षेत्र को, हर शहर को कुछ न कुछ नया मिलने की उम्मीद होनी चाहिए। एक ऐसा ब्लूप्रिंट सुदेश जी के पास होना चाहिए जो आम जनता को कहीं ना कहीं प्रभावित करे, उत्साहित करे और उसके बाद में वो फिर उनसे जुड़े रहें। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए सादा न्यूज़ मध्य प्रदेश।